चलिए भैया तो चलते हैं आज। गौरतलब कहाँ ले जा रहे हैं? अम्बा माई। अम्बा माई के दर्शन करने जा रहे हैं। टाटा आते हैं। फिर गौर साहब की कार से सफर आज लगे नहीं। क्या टेम्परेचर होगा? अच्छा, दिखने वाले थे हम गाड़ी के कांच में, बच गए खुद को मोटापा। नहीं यार दोस्तों, कल उस वाली रोड में गए हुए थे जो रोड नागपुर जाती है। अब ये जो रोड है ये कटंगी रोड है, और इस कटंगी रोड से ही होते हुए कौन कौन सी रोड निकलती है? ये तो अम्बा माई जाएंगे यहाँ से। अम्बा माई कटंगी रोड में ही पड़ता है। यहाँ से बरघाट, बरघाट भी शायद बरघाट रोड, वो अलग रोड है। अगर मैं जो उरी अरी 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 के लिए, अरी के लिए भी यहीं से रोड है। फिर सर कंजेस्टेड रोड है, लेकिन फिर भी कंजेस्टेड ना होते हुए भी ये बहुत ही मेन रोड ही कहेंगे इसको। और क्या, क्योंकि भले फोर लेन ना हो या फिर अब इंक्रोचमेंट है कि नहीं पता नहीं, इन रोडों में होना चाहिए। इंक्रोचमेंट नहीं है, पुराना इलाका है, पर इन्हीं तंग गलियों से ही जाके फिर सुनी और खूबसूरत हो जाता बाहर जाके, क्योंकि शहर मेन शहर है, ये पुराना इलाका है शहर का। और यहाँ से हम सीधे चलना है अपन। हाँ, ये रोड ये बरघाट। अच्छा, ये बरघाट वाला रोड जाता है अभोमा मतलब। और ये रोड जो है ये मेन शहर है यहाँ पर। ये जैन लोग बहुत रहते हैं। जैन मंदिर है, जैन 100 साल पुराना मंदिर कहते हैं यहाँ पर। 100 साल पुराना मंदिर है, और गांधी चौक भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी आए थे सन 1929 में, जब नमक आंदोलन हुआ था। तो नमक सत्याग्रह के सीनियर में यहीं पे कानून का वो विरोध किया गया था, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। उस समय हर देश में, पूरे देश में ये सब चीज़ें हो रही थी। तो सीनी में इस अभी आगे जो चौक आएगा वहाँ पे हुआ था। मतलब ये जैन मंदिर, ये जैन मंदिर ये 100 साल से भी ऊपर है। एग्जैक्ट सन मुझे याद नहीं है, लेकिन 100 साल से भी ऊपर है। हाँ, तो दोस्तों फिर अब हम बाईपास क्रॉस कर लिया है। अब हम ये रोड जो है ये अम्बा माई की रोड है। सो इस पे क्या बोलते हैं इसको, भंडारी रोड बोल लो। भंडारी रोड बोलते हैं, कटंगी रोड, भंडारी रोड। ये शहर के बाहर ही है, बाहरी इलाका शहर का ही। हाँ, वही नहीं है, हो रहा है। तो कितनी बार गाड़ी लेने के बाद जा चुके गौर साहब आप अम्मा माई या कहीं और जगह? 3-4 बार हो गया। रोड थोड़ी सी खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, से ये देखिए टेसू के फूल देखेंगे, ये सिवनी की पहचान है और क्षेत्र की पहचान है। टेसू बहुत होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत होते हैं जिले में, जिले में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से हम लोग गौर साहब की गाड़ी में अम्बा माई के दर्शन के लिए। अम्बा माई बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, अम्बा माई की पहचान ये है, वहाँ जाके बताया जाए गौर साहब की, यहीं से बता दी जाए अम्बा माई के पानी के बारे में, वहीं जाके बताया जाए। दूधिया पानी है, बता दिया जाए यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे दूधिया पानी है, वो नेचुरल है बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कुछ केमिकल मिला, ऐसा कुछ नहीं। सफ़ेद दूधिया कलर का पानी होता है। अभी आपको नीरज भाई दिखाएंगे वीडियोस में। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आप कोर एरिया में है, जंगल में है। बाकी मैं आपको पिछली वीडियो बता ही चुका हूँ कि सिवनी इलाका जो है पूरा जंगल, देखिए चालू हो गया है, घना जंगल नहीं पर जंगल चालू हो गया है। अब रहवासी इलाका हो गया है, लोग तो ऐसी जगह भी रहना शुरू कर दिए जहाँ पर भाई जंगली जानवर बसेरा हुआ करता था। ये प्रॉब्लम इसलिए थी कि ना आए दिन कहीं ना कहीं तेंदुओं के बारे में खबर आती रहती है कि गाँव में तेंदु घुस गया। अब तो शेर घुस रहे हैं इन इलाकों में, तो शेर तक घुस जाते हैं, क्योंकि आप उनकी जहाँ रहते हैं जंगली जानवर, आप उनके वहीं घर बना रहे हैं। ये इंसानों की गलती है कि भाई वो धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है, शहर से गांव से पैर जो जंगल एरिया लगते हैं उन पर अपना अधिकार जमा रहा है। तो ये थोड़ी वो हो जाता है, इसलिए वो आते बेचारे जंगली जानवर तो उसी जाते हैं। बहुत से जंगली जानवरों को तो मार भी दिया जाता है। तो कुल मिला के यही है कि सिवनी एक बहुत ही नेचुरल प्लेस है। सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, पूरा जो एरिया पड़ता है जबलपुर से सटा हुआ, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये महाकौशल के अंतर्गत आते हैं। पूरे जबलपुर इतना हरा भरा नहीं है, पर जबलपुर भी हरा भरा है, पर जबलपुर से हरे भरे ये इलाके हैं, बालाघाट, सिवनी, मंडला,
नरसिंहपुर और जो दो दो नेशनल पार्क से घिरा हुआ क्षेत्र है। बिल्कुल दो दो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क और गाना, गाना नेशनल पार्क, और दोनों बाघों के लिए पहचाना जाता है। अच्छा मैं गर्मी में वीडियोस कर रहा हूँ, अगर यही वीडियोस में ठंड में करता होता ना सोच कितना अभी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये तो पतझड़ हो गए, ये तो पतझड़ है, ये देखिए, तो सोचिए कितना खूबसूरत होगा ठंड में ये। और इस इलाके में चालू है, चालू है। अब अम्मा माई आ चुके हैं, अब यहाँ से हम अंदर मोड़ेंगे। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना जंगल, जंगल का यही सीनरी का और आसपास का। क्यों, क्या हो गया, खोलना पड़ेगा? चलिए दोस्तों मैं गेट खोल लेता हूँ। तो ये है क्या, ये अम्बा माई का मेन गेट है। देखिए इसमें लिखा है इको पर्यटन केंद्र अम्बा माई।